बिहार में चैतन्य झांकी की लगाई गई, जहां कन्याओं को देवी रूप में सजाया गया। झांकी के माध्यम से नशा मुक्ति, तनाव मुक्ति आदि कार्यक्रमों की 9 दिन ही प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय धार्मिक प्रभाग द्वारा सलकनपुर देवी धाम में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अष्टमी के दिन महाआरती का आयोजन किया। चैतन्य नौ देवियों की झांकी है, जो हम हर वर्ष इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में लगाते हैं। और इस बार हमने माता बिजासन धाम सलकनपुर में लगाने का संकल्प इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं। और इस झांकी का उद्देश्य हमें उस परम पिता परमात्मा का संदेश देना है कि किस प्रकार से परमात्मा आकर माताओं कन्याओं के द्वारा यह ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा अपना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। मैं दो बार नवरात्रि आते हैं, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बताया गया है कि माँ दुर्गा जो अष्टभुजाधारी है उनके ये नवरूप है। और इनके नवरूप के माध्यम से बताया गया है, सर्वप्रथम आप ऊपर चित्र की तरफ देखेंगे, झांकी में सबसे ऊपर शिव बाबा को लगाया गया है। तो इसमें बताया गया शिव और शक्ति। तो शिव जो है जब इस धरा पर आते हैं तो ऐसी साधारण नारियों को चुनते हैं जिनके अंदर शक्ति भरकर इस भारत को पुनः आवन बनाने का कार्य करते हैं।